नमस्कार दोस्तों, मैं अनु गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में वेलकम करती हूँ। आज का सेशन जो है वो स्पेशली कोरोना पेशेंट्स के लिए है, उनको जो ये कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया है जिसके कारण उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए रेकी हीलिंग की प्रोसेस है। आई होप मेरी वॉइस सबको आ रही है। हेलो, नमस्कार, एक बार फिर से मैं अनु गुप्ता आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ अपने चैनल अनु योग फेसबुक पेज में। मुझे मेरी वॉइस आ रही है, प्लीज आप मैसेज करके एक बार ये मेरे को रिप्लाई कर देंगे जो भी अभी आए हुए हैं। जो लोग भी आए हैं प्लीज उनमें से कोई भी एक जना बस मुझे मैसेज कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मैं फिर आज का सेशन स्टार्ट करूंगी। आपको एक्सप्लेन करना कि ये किस तरह से काम करता है। आई होप मेरी वॉइस आ रही है, प्लीज कोई भी एक जना मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि मेरी वॉइस आ रही है या नहीं। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? ओके, थैंक यू सचिन जी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, रेकी हीलिंग देने से पहले, एक बार फिर से मैं अनु गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने फेसबुक पेज लाइव पर। आज का सेशन जो है वो है कोरोना पेशेंट्स के लिए। कोरोना पेशेंट्स को लाइव हीलिंग, रेकी हीलिंग में दूंगी, जिससे ऐसा नहीं है कि आपके जो कोरोना की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हीलिंग उसमें सहायक रहेगी, हेल्पफुल रहेगी पूरी तरह से कोरोना को ठीक करने में। ये किस तरह से काम करता है, रेकी हीलिंग होती क्या है, बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन होंगे कि रेकी हीलिंग आखिर होती क्या है, ये किस तरह से काम करती है, इसमें रिजल्ट आता है या नहीं आता, डॉक्टर इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, सिर्फ इससे कैसे रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आपको ये चीज़ बहुत बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, समझ आ जाएंगी, तो आप इनको अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये रेकी हीलिंग मैं डेली दूंगी फॉर नेक्स्ट 21 डेज, मिनिमम 21 डेज तो मैं जरूर दूंगी, क्योंकि जो लोग रेगुलर करेंगे उनको रिजल्ट 21 डेज के भीतर ही आएंगे, क्योंकि अंदर की हीलिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो स्टार्ट करते हैं, 6-7 लोग, कुछ लोग आ चुके हैं, 10-15 लोग, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। रेकी हीलिंग होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है। रेकी जो है यूनिवर्सल, जो हमारी वाइटल फोर्स है, वाइटल एनर्जी है, जीवनी शक्ति है, हिंदी में हम कहें जो पूरे यूनिवर्स में है, यूनिवर्सल एनर्जी है, उसको हम उससे कनेक्ट करके, आई एम जस्ट अ मीडिएटर, मैं उससे कनेक्ट करके आपको वो पास ऑन करती हूँ और कुछ नहीं है। वो एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी जो है, वाइटल एनर्जी, जीवनी शक्ति जो है, उसको बढ़ाने के लिए हम रेकी हीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो रे मीन्स से ही जापान की पद्धति है। यूसुफ की जो थे उन्होंने बहुत साधना की, वहाँ पर एक संत हुए थे, उन्होंने बहुत साधना की और साधना के दौरान उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त हुई। उन सिद्धियों में उन्हें सिंबल्स बहुत सारे मिले, जिन सिंबल्स के द्वारा मैं आज आपको हील करूँगी, उससे जो हीलिंग है उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि तो इसमें एक तो आपने करना, ये काम किस तरह से करेगी, उसमें आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है, मेरी काइंड रिक्वेस्ट है, प्लीज वॉइस क्लियर नहीं है, ओके एक मिनट, अभी मेरी वॉइस क्लियर है दीपिका जी, एक बार प्लीज मैसेज कर दीजिए। टू स्लो, एक मिनट, अभी क्लियर है हर्ष जी? एक बार ही और मैसेज कर दो, मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तभी मैं फिर बोलना शुरू करूं, नहीं तो फिर मैं ब्लूटूथ निकाल के फिर करती हूँ। एक मैसेज और प्लीज कर दीजिए, वॉइस क्लियर है?
थैंक यू हर्षी, आप सभी का एक बार फिर से बहुत लोग अभी जुड़ रहे हैं। हम 2 मिनट का वेट कर लें क्योंकि सारा निकल ना जाए मुझे लग रहा है। एक बार फिर से रेकी का मैं बता देती हूँ, रेकी होती क्या है। रेकी जो है यूनिवर्सल वाइटल लाइफ फोर्स है, लाइफ एनर्जी है जो हम जिसमें हम इस समय मैं उस एनर्जी से कनेक्ट करके वो आपको बस पास करूँगी। और उसको पास करने से क्या होगा, दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी इन होल यूनिवर्स। वो जब हमारे अंदर आएगी, हमारे भीतर जाएगी, उससे जो नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है, माइंड के लेवल पर है, चाहे वो स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस के लेवल पर है, वो होता क्या है, नेगेटिव एनर्जी होती है। और जब हम रेकी देते हैं वो नेगेटिव एनर्जी को वो खत्म कर देती है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि किसी के अंदर ज्यादा होती है और किसी के अंदर कम होती है। तो इसीलिए रेकी का रिजल्ट भी वेरी करता है। कभी कभी किसी किसी को तो फर्स्ट डे से रिजल्ट आ जाता है और किसी को बहुत सारे सेशंस लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मिनिमम सेशंस हम रेकी हीलिंग में 21 सेशंस जरूर रखते हैं कि आपकी ओवरऑल पूरे चक्रास जो है, आपके जितने भी वाइटल एनर्जी चैनल्स हैं, जैसे हमारे एक टॉप ऑफ द हेड होता है, फोरहेड पे होता है, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र होता है, हार्ट चक्र है, देन नेवल के ऊपर है मणिपुर, देन स्वाधिष्ठान, देन मूलाधार। इन सभी चक्रास की पूरी तरह से हीलिंग होती है, इनको बैलेंस किया जाता है, चैनलाइज किया जाता है, जिसके द्वारा ये जो चक्रास हैं, ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, बहुत अच्छे से हील होने के बाद बहुत रेगुलेटेड वे में अपनी एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी में करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब इस तरह से हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है तो उससे हमारी जो हीलिंग है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो डिजीजेज हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे है, चाहे मेंटल लेवल पे है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसमें ज़रूरी है फर्स्ट फैक्टर इसका रिजल्ट अच्छा आने के लिए, मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ कि आप रेगुलर रहें और आपको पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं बताऊँगी, डायरेक्टली मैं सेशन पे आऊँगी। फर्स्ट थिंग ये, आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से 21 डेज के लिए आप ज़रूर, मैं यहाँ पर फ्री दूंगी, आप ज़रूर कनेक्ट होइएगा। और जो भी आपके जाने वाले में अगर कोई भी सफ़र कर रहा है उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये रियली वर्क करता है। सेकेंड थिंग, 21 डेज का, इसको ट्रस्ट के साथ कीजिएगा, फेथ के साथ कीजिएगा। इसमें मैं सच में कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट अ मीडिएटर, मैं एक मीडिएटर हूँ, मेरी कोई एनर्जी नहीं पास हो रही है, जो ऑलमाइटी की एनर्जी है उससे कनेक्ट करके बस मैं उसी को आपको पास करूँगी। सो इसको ट्रस्ट कीजिएगा पूरी तरह से। और सेशन शुरू करने से पहले आप अपनी इंटेंशन भी डालिएगा कि आप ठीक होना चाहते हैं इसी फेथ के साथ। देन कम्स आपका एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, ट्रस्ट हो गया, फेथ हो गया, एक्सेप्टेंस जरूर रखिएगा, जो चीज़ हो चुकी है उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो क्या, कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर लोग कई बार यही बोलते रह जाते हैं, हमें क्यों हो गया, कैसे हो गया, इन क्वेश्चंस में ना जाते हुए इसके प्रति एक्सेप्टेंस का भाव लेके आए कि ये हो चुका है, अब हमें इसको हील करना है, राइट। नेक्स्ट थिंग, फेथ ज़रूर रखना है क्योंकि ऑलमाइटी की एनर्जी है, उस पर अगर आप फेथ ही नहीं रखेंगे तो आप रिसीव कैसे करेंगे। अगर आपका ट्रस्ट नहीं होगा आपकी रिसीविंग बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लो। देन नेक्स्ट थिंग जो है वो आपको गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा एक बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी होती है, अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपने अगर रिसीव कर भी लेना डेली, जो आपके अंदर हीलिंग प्रोसेस हो रहा है वो फिर से स्लो डाउन हो जाएगा। गुस्सा नहीं करना। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी हमारी लाइफ में उसके प्रति हमें थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड का भाव जरूर रखना है, ताकि और ज़्यादा हेल्प करेगा हमारा। किस तरह से, जितने ज़्यादा हम थैंकफुल रहेंगे हमारी लाइफ में जो जो चीज़ें हमें मिली हैं, हम और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है इसको भी हम यूनिवर्स से और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और ये और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब इसको, ये काम किस तरह से करता है, ये 2 तरह से काम करता है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट जो जो रिजल्ट आते हैं, लाइक किसी को हेडेक है, आपने हीलिंग ली, इमीडिएट रिजल्ट आता है, बिल्कुल इमीडिएट रिजल्ट आता है, कोई देर नहीं लगती, उसी टाइम क्वेश्चन से सचिन जी मैं अभी जरूर लूंगी, लास्ट में आंसर करूंगी, ठीक है। डायरेक्ट जो रिजल्ट होता है, जैसे सपोज कीजिए हेडेक हुआ है, आपने हीलिंग ली, इमीडिएट रिलीफ मिल गया। कैंसर का कोई पेशेंट है, इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता, ऐसा नहीं है आपने एक दिन लिया, 21 डेज लिया और आपको रिलीफ मिल गया। उसमें क्या होता है, जैसे कैंसर का पेशेंट है या कोई बड़ी बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है आपकी, आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस तरह की कोई भी इशू है, उनमें कई बार टाइम लगता है। टाइम लगने के साथ साथ उनमें कई बार इनडायरेक्ट रिजल्ट आता है। अब इनडायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि जैसे आप अपनी लाइफ में आपने कोई गोल बनाया है, लाइक आपने कोई बिजनेस सेटअप करना है ना, बिजनेस सेटअप करना है, आपने एक पेपर पर लिख के उसको मैनिफेस्ट करने के लिए रेकी हीलिंग स्टार्ट की, उसको एनर्जी देनी शुरू की। तो अब ऐसा तो नहीं ना, आपने हीलिंग शुरू की और आउट ऑफ द ब्लू आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा किस तरह से, जब आप हीलिंग देनी शुरू करेंगे, एनर्जी देनी शुरू करेंगे, उसका रिजल्ट ऐसे आएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी, आउट ऑफ द ब्लू वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, आपको कहीं कहीं से अपने आप ही हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से एनर्जी काम करेगी, क्योंकि एनर्जी सिर्फ आप पर काम नहीं कर रही है, आपने जो भी अपनी डिजायर रखी है, जो भी इच्छा रखी है, उसको लाने के लिए वो यूनिवर्स में भी जाएगी, लेकिन वो काम तभी करेगी जब आप ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, परसिवरेंस के साथ, रेगुलरिटी के साथ इसको करेंगे। आपने होप नहीं छोड़नी है, इसका काम, इससे काम सच में होते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। इसमें मेरा ट्रस्ट पर्सनली दो कारण से हुआ, मेरी मम्मा पे मैंने सबसे पहले किया, उन पे सीरियसली बता रही हूँ, हर महीने, अगर हमारे डॉक्टर्स सुन रहे होंगे उनको पता है बहुत अच्छे से, ऑलमोस्ट हर महीने मेरी मम्मा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, उनको कैंसर था, कैंसर ठीक हो गया था, बट उनके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे थे, कुछ ना कुछ वीकनेस इतनी ज़्यादा होती थी, 5-7 दिन उनको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता था, और रहती मैं फेडअप हो चुकी थी, सीखा हुआ था बट बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया था किसी पे। देन आई गेव हर रेकी हीलिंग, और उसमें इंटेंशन ये थी मेरी कि मम्मी को कभी हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, उनके लिए रेगुलरली हम देते रहते हैं रेकी, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़ा, ये मेरी मेन हीलिंग हमेशा होती है मेरी मदर के लिए। और रियली ट्रस्ट मी, 1.5 साल हो गया है, मम्मी को दोबारा ले जाना नहीं पड़ा, और ये मुझे कहते हुए ऐसा भी नहीं कहना पड़ रहा कि नज़र लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज शी इज रिसीविंग द हीलिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। जो उनकी वाइटल एनर्जी है, मोस्ट ऑस्पिशियस एनर्जी है, वो उनको रेगुलरली मिल रही है। अदरवाइज ऐसी बात कहते हुए हमें डर लगता है ना कि कहीं दोबारा से हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े, लेकिन मेरे को पूरा ट्रस्ट है, थोड़ी सी भी तबीयत ऊपर नीचे होती है ना, हम जस्ट हीलिंग कर देते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको पीछे बताना भूल गई, 21 डेज की तो आपने हीलिंग ले ली, कई लोगों को 21 डेज में रिजल्ट नहीं आता, तो उनको कम से कम फिर 40 डेज तो ज़रूर रेगुलर लेना होता है। और जिनको रिजल्ट आ जाता है, जैसे किसी को वीक में रिजल्ट आ गया, किसी को 21 डेज में रिजल्ट आ गया, तो उनको क्या करना है, बाद में फॉलोअप जरूर करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है आपका एक बार काम होना शुरू हो गया और आपने हीलिंग बंद कर दी, आपको आगे भी वो हीलिंग करनी है, फॉलोअप आपने जरूर रखना है। स्टार्टिंग में जैसे ऑल्टरनेट डेज पे जाइए, ऑल्टरनेट डेज भी नहीं, 2 दिन में एक बार कीजिए, नहीं तो वीक में एटलीस्ट 1 डे तो आपने फॉलोअप जरूर लेना है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, वैसे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है जब हम रेगुलर सेशंस लेते हैं, इसीलिए कहती हूँ एटलीस्ट रेकी का लेवल 1, और जो लोग सीख सकें, जो लोग टाइम निकाल सकते हैं, लेवल 2 भी सीख लीजिए। अपने आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, आप अपने सेल्फ को, अपने घर वालों को भी अगर लेवल 2 भी सीख लेंगे तो आप आराम से हील कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं सीख रहे हैं, एटलीस्ट फॉर कोरोना मैं यहाँ पर अब रेगुलर दूंगी, इसी टाइम दूंगी, टाइम हम डिस्कस कर लेंगे, अगर सबको प्रॉब्लम होगी तो हम टाइम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है,
लेकिन अभी फिलहाल 7 बजे हम रोज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने में एक और चीज, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग होना, करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब ग्राउंडिंग देखिए, आज तो मैं आप लोगों की करा दूंगी, ठीक है, लेकिन आप रोज कैसे करेंगे? क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, बहुत पावरफुल है, उसको सस्टेन करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार लोगों को थोड़ी सी गिडीनेस हो जाती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सो जाए, इसके बाद नींद बहुत अच्छी आती है। इस पर बहुत रिसर्चेस हो चुकी हैं, यहाँ पर इंडिया में ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो बाहर रिसर्च हुई है उनमें जैसे इंसोमिया के पेशेंट, स्ट्रेस पर सबसे अच्छा रिजल्ट मिला है इसका, रेकी का, स्ट्रेस पर, ओबेसिटी पर, छोटी हेडेक पर, डायबिटीज पर, हाइपरटेंशन पर, डिप्रेशन पर, इन चीज़ों पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीजेस पर अभी नहीं हुई है रिसर्च, लेकिन इतने रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट क्या, ये परमात्मा की, अगर मैं हमारे बड़े वैसे शब्दों में, क्या हिंदी में, परमात्मा की एनर्जी है तो वो काम क्यों नहीं करेगी उसके लिए। लेकिन हमें ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ग्राउंडिंग अब कैसे हो, आज मैं आप लोगों की ग्राउंडिंग कराऊंगी, आप यही वीडियो ऑन करके डेली कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी रेमेडी जो ग्राउंडिंग की है, वो आप डेली कीजिए। आजकल हम सबको आदत है कि हम स्लीपर्स वगैरह कुछ ना कुछ हमेशा 24 घंटे अगर घर पर भी हैं, चप्पल वगैरह पहन के रहते हैं, है ना, रहते हैं ना। तो ग्राउंडिंग कैसे करें, ग्राउंडिंग कैसे हो? ग्राउंडिंग का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, अपने घर पर ही कुछ देर के लिए सही आप चप्पल उतार कर, बेयर फुट, अपने मतलब कि नंगे पांव जिसे कहते हैं, उस तरह से थोड़ी देर जमीन पर चलें। और बेस्ट ये होगा कि आप पार्क वगैरह में जाकर, या आपके घर में भी गार्डन है तो वहां पर अगर आप घास पर चल पाएंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। उससे क्या है, आपका रूट चक्र, जो मूलाधार चक्र है, जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के वहां पर है, वो ग्राउंड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण हमारे हमारे मन के जो फियर फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस है, स्टेबिलिटी नहीं है हमारे माइंड में और बॉडी में, दोनों में, हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, वो सारी चीजें, ये आप कहेंगे ये दोनों चीजें कहाँ कनेक्ट हो रही है, हमारे चक्रास बहुत मिराकुलस हैं, मतलब कि वो बिल्कुल जादू सा ही करते हैं अगर वो बैलेंस हो जाए। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग हो जिन्होंने चक्रास की पावर देखी है, महसूस की है, क्योंकि जब एक बार वो बैलेंस होने शुरू होते हैं, वो बिल्कुल हमारी लाइफ में मिराकुलस चेंजेस लेके आते हैं, 100% लेके आते हैं। छोटी सी रेमेडी आप अपनी लाइफ में अपनाइएगा, नंगे पांव घास पर अगर हो सके 15 से 20 मिनट, नहीं तो 10 मिनट्स तो मिनिमम आप कोशिश कीजिए कि आप चल सकें, नहीं तो घर पर ही 15-20 मिनट जरूर चप्पल उतार कर थोड़ा सा चलें, इससे भी ग्राउंडिंग होती है। लेकिन आज जो मैं आप सभी को ग्राउंडिंग कराऊंगी, आप उसको भी जरूर कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपको याद रहे तो खुद से, नहीं तो इस वीडियो को ऑन करके। तो स्टार्ट करते हैं, आप सभी रेडी है? आप जहां पर भी बैठे हैं या तो बैठे रहे, और अगर कोई लेटना चाहता है तो प्लीज लेट जाइएगा, अगर कोई लेटना चाहे तो प्लीज लेटिएगा, नहीं तो जहां बैठे हैं वहां बैठे रहे। मुझे थम्स अप प्लीज दीजिए कि आप लोग रेडी हैं तो मैं शुरू करवाऊंगी, क्योंकि रेकी की अट्यूनमेंट मैंने ऑलरेडी की हुई है। ग्राउंडिंग के इमीडिएट बाद आपने अपनी जगह से नहीं हटना है। रेकी आपने किस तरह से लेंगे पहले बता देती हूँ। ये जो मेरे हाथ है, अगर आप आंखें खोल के बैठना चाहते हैं तो इन हाथों के यहाँ पर इस एरिया पर देखिएगा, आपको यहाँ से मिलेगी। और अगर आप आंखें बंद करके भी लेटना चाहते हैं या बैठना चाहते हैं तो आप बस फोन को अपने सामने रखकर फिर लेट जाइएगा। इसमें पहले 15-20 मिनट्स की मैं आपके चक्रास को बैलेंस करूंगी, फिर उसके बाद 10-15 या 20 मिनट्स देखते हैं कितना फ्लो जाता है, वो रहेगी प्योरली कोरोना पे। और जो ये चक्रा हीलिंग होगी ये भी कोरोना पेशेंट्स के लिए ही है, कि उनकी पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सभी चक्रास जब बैलेंस होंगे तो अपने आप उनकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, उनकी जो ताकत है शरीर की, मन की, आत्मा की, इस बीमारी से लड़ने की, वो अपने आप बढ़ेगी, राइट? तो पहले हम करेंगे ग्राउंडिंग। आई होप सब रेडी है, और मेरी एक काइंड रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब
अपने जानकार में अगर आपके कोई है, वैसे तो ना हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई है तो प्लीज़ उनसे भी शेयर कीजिएगा कि उनको भी ये लाइव देखिए, आप बाद में वीडियो और सेव्ड वाली भी देखेंगे, उससे भी 24 आवर्स की तो मैंने अट्यूनमेंट की है, लेकिन लाइव जो लेंगे उसके इम्पैक्ट हमेशा अलग होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्राउंडिंग से। अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं या लेट जाए, आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बने रहे। एक लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाए, लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाएगा। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भर जाए और निकाल जाए। ग्राउंडिंग के दौरान मैं लगातार बोलूंगी, रेकी हीलिंग में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगर आप उस टाइम पर कोई स्लाइट म्यूजिक चलाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप चला सकते हैं। अगर कोई दीपक जलाना चाहता है इस तरह से तो आप वहां पर रखेंगे अपने पास, बहुत अच्छा रहेगा। स्मजिंग धूप वगैरह से होती है, मतलब फ्रेगनेंस, इंसेंस अगर कोई आप वहां पर करना चाहते हैं या स्प्रे करना चाहते हैं, खुशबू किसी भी प्रकार की अगर आप कमरे में करेंगे तो रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। तो जो लोग करना चाहते हैं अगर अभी अवेलेबल है तो कर लीजिए, नहीं तो कल से प्लीज आप अपने रूम को इस तरह से तैयार करके रखिएगा। हो सके तो एक दीपक जला कर रखें, कैंडल जला कर रखें, या स्मजिंग धूप अगरबत्ती से स्मजिंग होती है वो करके रखिएगा। अगर वो नहीं कर सकते, आपको कोई इरिटेशन होती है उससे, तो थोड़ा सा स्प्रे वगैरह कुछ ना कुछ फ्रेगनेंस आप करके रखिएगा। और जिनके पास क्रिस्टल्स हैं इस तरह से अगर घर में हैं, तो आप उन क्रिस्टल्स को भी पहन के या अपने पास सामने रखिएगा। इनको हील करना मैं बताऊंगी किस तरह से चार्ज करते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ग्राउंडिंग प्रोसेस। एक लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकालिएगा, श्वास पुनः भर जाए, निकाल दीजिए। एक और लंबा श्वास भर जाए, निकाल जाए। अपने श्वासों पर अपने ध्यान को बनाए रखिएगा। श्वास भरे तो आपको पता चले श्वास भर रहा है, श्वास निकले तो आपको पता चले श्वास बाहर निकल रहा है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस आराम को महसूस कर जाए, चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट, संतोष का भाव। अब अपने ध्यान को अपने शरीर के ऊपरी भाग पर ले आए, सर के बिल्कुल ऊपर, टॉप ऑफ द हेड। वहां पर महसूस कीजिए ऊपर आसमान, ऊपर छत से, ऊपर से व्हाइट कलर की, सफेद रंग की एक झरना उतरते हुए आपके भीतर आ रहा है, लगातार आपके भीतर उतरता जा रहा है, चमकती हुई व्हाइट रेज भी आप महसूस कर सकते हैं, सिल्वर कलर की, व्हाइट कलर की चमकती हुई एक ऊर्जा आपके भीतर, आपके सिर के ऊपरी भाग से भीतर लगातार उतरती चली जा रही है। सबसे पहले आपके सिर को उसने भर दिया है इस समय, सिर से पूरा माथा, चेहरे में भी पूरी तरह से भर रही है ये ऊर्जा, गर्दन में, शोल्डर्स, कंधे, बोथ आर्म्स, चेस्ट,
छाती में, पेट, पीछे पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ, बटक एरिया में भी भर चुकी है। नेवल से थाई एरिया तक ये वाइट चमकती हुई ऊर्जा, एनर्जी हमारे भीतर उतर चुकी है। घुटनों तक, पिंडलियां, टखने, एंकल जॉइंट, सोल्स, टोज, बिग टोज, पूरे शरीर में आपको अपना शरीर मानो इमेजिन कर जाए, अगर नहीं भी आप सोच पा रहे, देख पा रहे, इमेजिन कर जाए पूरी बॉडी इस समय व्हाइट, इस व्हाइट ऊर्जा से भरी हुई। अब अपने पैरों पर, अपने टोज पर, अपने पैर के तलवों पर अपने ध्यान को लेके आए। अगर आप चेयर पर है तो पैर नीचे जमीन पर है, जमीन के बीचों बीच कोर एरिया तक पहुंच जाए अपनी इमेजिनेशन से। वहां से ग्रीन लाइट ऊपर की तरफ उठ रही है, चमकती हुई हरे रंग की ऊर्जा जमीन के सबसे निचले बीच में, सेंटर में से, कोर एरिया में से वो ग्रीन लाइट, चमकती हुई ऊर्जा नीचे से, जमीन से ऊपर की तरफ आ रही है, आपके पैरों के अंगूठों से पूरे तलवों में भर रही है। एंकल एरिया, काफ्स, नीज, अप टू थाई, जांघों तक ये ऊर्जा भर चुकी है, चमकती हुई हरी ऊर्जा। जांघों से बटक एरिया, नेवल एरिया तक भर चुकी है, पेट, छाती, पीछे पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, पीठ, पूरी कमर, शोल्डर एरिया, बोथ आर्म्स, पूरे हाथों में भी ये चमकती हुई हरी ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा, शाइनिंग ग्रीन लाइट आपके शरीर में अप टू नेक एरिया भर चुकी है। अब धीरे धीरे ऊर्जा और बढ़ती जा रही है, हमारे फेस पे भी भर चुकी है, ऐसा महसूस कर जाए। चेहरे से पूरे सिर में होते हुए टॉप ऑफ द हेड, पूरा शरीर भर चुका है। अब शरीर में इतनी भर चुकी है, श्वासों के जरिए, टॉप ऑफ द हेड के जरिए हमारे शरीर के आसपास भी ये ऊर्जा फैल रही है। महसूस कर जाए शरीर से दो दो फीट की दूरी पे, तीन तीन फीट की दूरी पे, जितना आप महसूस कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, महसूस कीजिए ऊर्जा फैलती चली जा रही है शरीर के चारों तरफ। इतनी फैल चुकी है मानो एक गुब्बारे में, हरे रंग की ऊर्जा के गुब्बारे में इस समय हम बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस कर जाए। एक ग्रीन बैलून में ग्रीन ऊर्जा और व्हाइट ऊर्जा से भरा हुआ हमारा शरीर, जो कि पूरी तरह से इस समय प्रोटेक्टेड है, बैठा हुआ है। इस समय हम अपनी जड़ों से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, रेकी हीलिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम करेंगे चक्रास की हीलिंग, उसके बाद ओवरऑल हीलिंग करेंगे, चक्रास को बैलेंस करेंगे। एक ओम के साथ शुरू करेंगे, अट्यूनमेंट मैंने ऑलरेडी की हुई है, डायरेक्ट हीलिंग करूंगी। आप लोग लेटना चाहे बिल्कुल लेट सकते हैं, रिलैक्स हो जाइएगा।
शांति।
एक वॉयलेट लाइट को देखते रहिएगा एट द टॉप ऑफ द हेड। यही लाइट नीचे आ रही है डार्क ब्लू कलर की बनती हुई, महसूस करते जाएं। ब्राइट शाइनिंग डार्क ब्लू कलर रेज।
ब्राइट शाइनिंग लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, उसे अपने थ्रोट एरिया तक भरते हुए महसूस कीजिए लगातार अगले 3 से 4 मिनट। अगर आप स्काई ब्लू कलर देखिएगा, महसूस कीजिएगा। अपने हार्ट एरिया तक अपने ध्यान को लेके आए। वहां पर पूरे हार्ट एरिया में, चेस्ट एरिया में ग्रीन कलर चमकता हुआ हरा रंग भरता हुआ महसूस कर जाए लगातार, बस उसी को देखते रहे, बिल्कुल लगातार उसे देखते जाए।
यहीं पर पिंक कलर लगातार देखते जाएं, चमकता हुआ गुलाबी रंग, शाइनिंग पिंक कलर इन योर होल चेस्ट एरिया, अपनी छाती वाले भाग पर चमकता हुआ गुलाबी रंग देख जाएं। चेस्ट एरिया से नेवल एरिया पर अपने ध्यान को लेके आए, चमकता हुआ पीला रंग, ब्राइटनिंग शाइनिंग येलो कलर वहां पर लगातार देखिएगा।
नेबर एरिया से दो उंगली नीचे यानी थोड़ा सा 2 इंच नीचे आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा, यानी वहाँ पर पूरे एरिया में यूट्रस वाला एरिया जो है, ओवरीज वाला एरिया, वहाँ पर पूरे एरिया में ऑरेंज कलर चमकता हुआ संतरी रंग देख जाए, महसूस कर जाए। Take your conscious on the tail of your spine, अपनी कमर के निचले भाग पर अपने ध्यान कर लेके आए, रेक्टम एरिया पर, वहाँ रेड कलर चमकता हुआ लाल रंग देख जाए। जो लोग बैठे हुए हैं आराम से अपनी जगह पर लेट जाएं, वीडियो को सामने ही ऑन रखिएगा।
के साथ एक लंबा गहरा श्वास भर जाए। आप जहां पर भी बैठे हैं लेटे हैं एक लंबा श्वास भरिएगा, निकाल दीजिए। एक लंबा गहरा श्वास फिर से भर जाए, निकाल जाइएगा। एक और लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल दीजिए। आराम से सबसे पहले अपने पैरों को हल्का हल्का हिलाइएगा, पहले फिंगर्स को थोड़ा सा मूव कर लीजिए, पैरों को हल्का सा हिलाएं। जो लोग लेटे हुए हैं करवट लेकर उठकर बैठ जाएं हाथों के सहारे से, और अगर ना उठकर बैठ पाए कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से अपनी जगह पर लेटे रह सकते हैं। अब किसी के जिनके भी क्वेश्चंस हैं, देखिए कई लोगों ने बिल्कुल पहली बार रेकी हीलिंग सुना होगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे इस टाइम पूछ सकते हैं। और ये देखिए रेकी हीलिंग जैसा मैंने शुरू में भी बताया था, हम ये यूनिवर्सल वाइटल फोर्स है, जीवनी शक्ति है, और ये काम सिर्फ एक दिन में नहीं करेगी, बिकॉज हमारे अंदर हमारे पर्सनल ये डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि हमारे अंदर ऑलरेडी कितनी नेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी क्लीनिंग होने में देखिए सबका अपना अपना होगा। किसी को फर्स्ट डे से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और किसी को थोड़े टाइम बाद मिलेंगे। तो 21 डेज की देखिए कोई इसमें चार्जेस नहीं है, आपको बस इस वीडियो को ऑन करके, मेरी कोई गपशप भी नहीं सुननी पड़ेगी कल से आपको, आपको बस वीडियो ऑन करके बैठना है और इसको रिसीव करना है, ठीक है। हम सब एनर्जी हैं, एक सर्टेन लेवल ऑफ वाइब्रेशंस पे हम लोग डांस करते हैं, और जिसकी जैसी एनर्जी होती है ना वैसी ही धीरे धीरे बॉडी और माइंड हमें एक ऑरा होता है ना, कोई कोई इंसान आता है हमें लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है ना, बड़ा बड़ा कामिंग सा इफेक्ट आता है, कोई कोई आता है उसको देखते ही गुस्सा आता है, वो क्या है, वो एनर्जी, उनका जो ऑरा है, जो उनकी एनर्जी इनसाइड एनर्जी जो उनके ऑरा में है वो हमें अफेक्ट कर रही होती है। तो हम रेकी के द्वारा अपनी इनसाइड एनर्जी को पूरी तरह से क्लीन करके ऑस्पिशियस बना सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी करें, अब किसी का भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। सबसे पहले सचिन जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन, दीपिका जी, हर्ष जी, लेखा चिंगप्पा जी, रंजीत दास जी, सतीश जी, पूनम जी, अंजू जी, राजकुमार गांधी जी, सुषमा गुप्ता जी, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, एक है क्वेश्चन इसमें सचिन अनु जी, क्या रेकी बीमारियों में ही हील कर करता है या नॉर्मली भी रेकी ही? हाँ जी, देखिए अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो भी आप रेकी ले सकते हैं, बिल्कुल सेल्फ हीलिंग उसे हम कहते हैं, विदाउट एनी डिजीज, बिना किसी बीमारी के हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। लाइक इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, खाना देखिए हमने एक दिन खाया, अगले दिन भी खाना होता है ना, या ऐसा है कि पूरे साल का हम एक बार में खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता ना, हमें उसको अपने आप को डेली करना पड़ता है। नहाते हैं एक दिन सिर्फ नहाने से चल जाएगा, हमने क्लीनिंग की ना, इसी तरह से हम अपनी सेल्फ की, हमारी जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनकी भी हमें रेगुलर हीलिंग करनी है, उनकी भी रेगुलर सफाई करनी है। तो ये बिना बीमारी के 100% कर सकते हैं, 100%। लेकिन ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर सेशन रेकी का ले रही हूँ ये कोरोना पेशेंट्स के लिए, इसलिए मेरी सबसे सच में बहुत काइंड रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कोई भी है उनको प्लीज कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए कि वो इसको ज़रूर रिसीव करें, लें अपने अंदर इसके सामने बैठ कर, क्योंकि ये ज़रूर वर्क करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपको अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस अभी है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। क्या वीडियो नहीं आ रही है? राजकुमार गांधी जी ने लिखा है, जाकिर जी नमस्कार,
सवेरा जी का क्वेश्चन है, इफ वी मिस आउट ऑन इमेजिनिंग अ कलर इन द चक्रा इज इट हार्मफुल? नो, नॉट एट ऑल. ये सिर्फ मैंने कलर्स इसलिए बोला था, यहाँ पर बहुत से लोग मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल न्यू होंगे, फ्रेशर होंगे, जिनको बिल्कुल भी ना रेकी के बारे में पता है, ना योग के बारे में पता है और ना ही चक्रास के बारे में पता होगा, वो इसलिए बोर ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा बीच में बोला कि वो कलर को इमेजिन कर ले, कि उनका माइंड कहीं पर बिजी हो जाए. नहीं तो जो लोग नए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है तो उनके लिए बैठना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको रिसीव करना ऐसे शांति से बैठ के थोड़ा सा डिफिकल्ट है. मैम सिर्फ मैंने इसलिए बोला कि कलर्स पे आप कंसंट्रेट करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कलर पे या कहीं पर भी इमेजिन करने की. आई होप आंसर मिल गया होगा मैम आपको इसमें. और जिनके पास अगर क्रिस्टल्स है ना, स्टोन्स है, तो आप उनको इस समय हीलिंग के टाइम पे यहाँ पर रख सकते हैं. राजकुमार गांधी जी, थैंक यू सो मच. ब्लेसिंग्स और रेकी सेम है? बिल्कुल. ब्लेसिंग क्या है, आपको एक सेकंड में मिली है ना, वो आपके बड़े ने, किसी भी जो आपके नोन टू हैं उन्होंने दी, उन्होंने पूरे मन से दी, वो वर्क करती हैं. रेकी क्या है, ब्लेसिंग जो है हमारे किसी नोन टू ने दी, हम जैसे किसी इंसान ने दी, राइट. अब उनकी एनर्जी, प्लीज इसको आप अदरवाइज ना लीजिएगा, बट साइंटिफिक फैक्ट यही है, उनकी एनर्जी कितनी क्लियर है, उन्होंने कितनी पॉजिटिविटी के साथ पे आपको वो ब्लेसिंग्स दी हैं, ये मैटर करता है. अब ये जो रेकी हीलिंग है मेरा तो इसमें कुछ नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट जो ऑस्पिशियस जो यूनिवर्सल एनर्जी है, द मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी है, वाइटल एनर्जी है, वो आपको पास हो रही है, इसके रिजल्ट्स इसलिए ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्लेसिंग्स प्रेयर्स सब वर्क करता है. इसके साथ आपका बहुत अच्छा मेरे को क्वेश्चन लगा कि ब्लेसिंग्स और, अगर आप ये चीज़ समझते हैं ब्लेसिंग्स और रेकी एक है काफ़ी हद तक, तो आप मेरी एक ये चीज़ भी प्लीज़, जो लोग देख रहे हैं आज के सेशन में थोड़ा समझाना ज़्यादा हो गया, आप डेली थैंकफुलनेस ग्रैटिट्यूड का भाव सुबह उठकर और रात को सोने से पहले आपके जीवन में जो जो आपको कुछ जो भी ब्लेसिंग मिली है, लाइक दिस बॉडी इज ऑल्सो ब्लेसिंग, वी आर एबल टू सी पीपल है ना, वी आर एबल टू सी डिफरेंट सीनरीज एंड ऑल एवरीथिंग वी कैन एबल टू सी, उसके लिए आप थैंक्स कह सकते हैं. हम बोल पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हमारे हाथ हैं कुछ काम करने के लिए, हम समझ पा रहे हैं, ये सब कुछ ब्लेसिंग्स है, इनके लिए आप थैंक्स करें प्लीज है. और जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं उनके लिए सॉरी मांगे. और ब्लेसिंग्स देखिए, एक और इसका मिराकुलस इसका इम्पैक्ट होता है, जो हमारी लाइफ में नहीं है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो हमारी लाइफ में नहीं है, व्हाट वी गिव वी रिसीव इट बैक है ना, जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है. तो ब्लेसिंग्स देना शुरू करें, हमारी लाइफ में वो चीज़ आराम से अपने आप आएगी. यहाँ पर इस समय मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, हमारे बीच एक बहुत ऑस्पिशियस जिसे कहते हैं ना सोल है, सॉरी मैम मैं यहाँ पर नाम ले रही हूँ, सवेरा चिनप्पा मैम, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस पर्सन आई हैव एवर मेट, इतनी डाउन टू अर्थ है, मैं इनकी सर की डेजिग्नेशन वगैरह नहीं बताऊंगी सॉरी, बट वो इतने अच्छे लेवल पर हैं. और मैम से अगर आप कभी मिलेंगे ना तो वो डाउन टू अर्थ है, चीज़ हमारे सबके अंदर होनी चाहिए, उस तरह का भाव हम सबके अंदर अगर आ जाएगा ना तो हमारी लाइफ अपने आप, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे जो भी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, जो भी बीमारियाँ, बीमारियाँ भी तीन तीन कारणों से होती हैं, तीन तरह के तपत रेज होते हैं. ज़रूरी नहीं है हमने कुछ इस अभी हमने कुछ गलत किया उसके कारण हुई है, कुछ भी अगर हुआ है, इसलिए एक्सेप्टेंस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक्सेप्टेंस जरूर रखें हमारे साथ, जो भी चीज़ हो कोई बात नहीं हो गई. आपको लग रहा होगा ये मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन सबकी लाइफ में अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन जहाँ जिस मोमेंट पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज़ को, हमारे लिए उसको फेस करना और उससे आगे निकलना बहुत ईजी हो जाएगा. सो इसी नोट के साथ कल फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप सब बहुत जल्दी रिकवर हो, यहाँ पर अगर कोरोना पेशेंट्स थे, और प्लीज़ अगेन मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये रेकी हीलिंग यहाँ पर मैं फ्री दे रही हूँ, और ये सिर्फ इसलिए शुरू की क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक चीज़ भगवान जी ने दी है तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, और इस समय सबको ज़रूरत भी है, तो आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करें, सबको बताएं जो जो लोग ले सकते हैं, जिनको विश्वास नहीं आज की वीडियो देखेंगे तो शायद उन्हें थोड़ा सा समझ आएगा कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है. तो कल फिर मिलेंगे हम.
7 बजे आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं जरूर उसका आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। की स्माइलिंग, स्माइल करने से ना आधी टेंशन रहती गायब हो जाती है, बहुत अच्छे से स्माइल करती रहे। ठीक है, बाय, कल फिर से मिलते हैं।